और चले सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या का। सीएम योगी का दूसरा दिन है आज और वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विधायक जी से, सभी माननीय विधायकों से, महापौर जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इन सबको ले जाकर के वहां पर 8 बजे ले जाकर के लाइव एंड साउंड का कार्यक्रम भी दिखाने का कार्यक्रम करेंगे, तो आप देखेंगे कितना क्या बदल रही है। इधर पिछले 3 महीने के अंदर गुप्ता घाट में कितने लोग गए हैं? आप लोग जो जितने पुरुष हैं तो गए, लेकिन इन बाबा और बहनों को क्यों नहीं लेके गए? इनको भी ले जाकर के दिखाओ वहां पर। प्रभु श्री राम से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र को जो आज से 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था, आज आप देखिए क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्ता घाट और उसके आसपास के दृश्य को जाकर के देखिए। ये नए अयोध्या के कुछ चित्रण है और आप मैं यही कहने के लिए आया हो, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरत कूप का भी विकास सूरज कुंड की तर्ज पर करेंगे। उसी प्रकार से महात्मा भरत के यहां सारनाथ स्थली को लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तालाब का सुंदरीकरण होगा, जो यहां पर लोग निवास कर रहे हैं उनका पुनर्वास होगा। पूरी जमीन को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर से त्रेता युग की ओर इसको ले जाने का कार्य किया जाएगा। अभी थोड़ा प्रारंभिक रूप में अयोध्या में कार्य चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही होगी आने जाने में, लेकिन भाइयों बहनों किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कठिनाई और चुनौती को तो झेलना ही पड़ता है। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। और उसका नाम हमने राम पथ ही रखा है, प्रभु श्री राम के नाम पर राम पथ। और हनुमानगढ़ी के पीछे से सुग्रीव किला के पास से राम जन्मभूमि के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए जो मार्ग जा रहा भक्ति पथ के रूप में फर्स्ट क्लास मार्ग बनने जा रहा है। इतना चौड़ा मार्ग अयोध्या में, इससे पहले इतने छोटे मार्ग थे ही नहीं, अपनाए जा रहे हैं। और भाइयों बहनों अगर अयोध्या के सभी कार्यों को पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, एक नया बाईपास, रिंग रोड, अन्य सभी कार्यों को देखेंगे, फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए तरीके से घाटों का निर्माण हो रहा है, चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा के केंद्रों के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन सभी कार्यों को हम देखेंगे तो आज के दिन पर अकेले अयोध्या के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए की, भाइयों बहनों जिस दिन 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना के कार्य जमीनी धरातल पर उतरेंगे, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में रहेगी। और तब उस समय आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। अयोध्या में मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है, सूरज कुंड और भरत कुंड में भी रेलवे विकास के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी वर्ष बनकर के तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कि एक समय में एक विमान उतरा और उपरांत दूसरी तरफ आया, अगला विमान फिर 2 मिनट में दूसरा विमान वहां आ जाएगा। इतना अवसर अयोध्या के लिए आने जा रहा है, इतने अवसर आने जा रहे हैं कि जो अयोध्या में आया होगा वो पछताता होगा, जिसने अयोध्या में जन्म नहीं लिया होगा वो भी या
प्रार्थना कर रहा होगा कि मुझे भी अयोध्या में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी सौभाग्य के साथी होता। भाई बहनों, राम के नगर हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु श्री राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है, पूजा है, उनकी भक्ति की है, और भक्ति साकार रूप से अब हम सबके सामने राम लला के रूप में मंदिर निर्माण के कार्य के साथ ही विराजमान होकर के हम सबको दर्शन देंगे। ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, 32,000 करोड़ रुपए के परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिनके कार्य चल रहा है, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर अभी कार्य प्रारंभ होने के लिए हम लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं। इतने बड़े परियोजनाएं देश के अंदर किसी और एक नगर में, एक जनपद में नहीं चल रही होगी। और इसमें भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी नेतृत्व में अयोध्या का, काशी का, मथुरा वृंदावन का, प्रयागराज का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, सुख तीर्थ का, नैमिष तीर्थ का, इन सब का विकास हो रहा है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी तब होती थी जब सरकारी खजाने पे डकैती डालने वाले लोग सत्ता में बैठ करके परिवारवाद और जातिवाद के हमले का अनुभव करते थे, तब पैसे की कमी होती थी। हमारे लिए तो कौन है, हमारे लिए तो ये जनता जनार्दन ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है। जो डकैती डालते थे उनकी डकैती को रोक करके उस पैसे को हम डाइवर्ट करते हैं विकास के लिए, और वही पैसा विकास में लग रहा है, उपचार में खर्च हो रहा है, गरीबों के मकान में खर्च हो रहा है, गरीबों के शौचालय में खर्च हो रहा है, बिजली कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च हो रहा है, हर घर नल की योजना के रूप में पैसा लगाया जा रहा है, किसानों की आमदनी को बढ़ाने में लगाया जा रहा है, बेटियों की पढ़ाई में पैसा लगाया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में लगाया जा रहा है, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे महाविद्यालय, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने में पैसा लगाया जा रहा है। आज इसलिए विकास दिखता है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। हाँ, टाइम का हो सकता है, कोई कार्य जिस स्पीड से चलना चाहिए हो सकता है स्पीड में कम या ज्यादा हो सकती है, हर व्यक्ति एक जैसी क्षमता का नहीं हो सकता, लेकिन भाइयों बहनों, अब अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, अब अयोध्या का नाम लेने में कोई संकोच नहीं करता है, और अयोध्या आने के लिए तो अब कौन है जो मलाई न होता हो। आपने तंदू सिंह जी को पहले सांसद बना दिया, अब हर व्यक्ति अयोध्या आने के लिए मलाई है, लेकिन आप चिंता मत करिए, अयोध्या के गौरव और अयोध्या के वैभव के साथ किसी के सबको खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, ये नया भारत है, वैश्विक मंच पर सम्मान पाता है, देश सब अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा है। आपने देखा होगा 75 वर्ष पूर्ण होने पर दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह की अध्यक्षता भारत को G20 के अध्यक्षता के रूप में भारत को मिली। ये G20 के देश वही है भाइयों बहनों जिनके पास दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 80% संसाधन पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% GDP है, और जिनके पास दुनिया का जो भी पेटेंट होता है पेटेंट का 90% अधिकार जिन देशों के पास है, वे G20 के देश कहलाते हैं। भारत वर्तमान में अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 समूह देशों का के अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। जो ब्रिटेन भारत